नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है PSS विजन एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रीजनिंग के लेक्चर लेके आ रहे हैं। रीजनिंग में हम कई चैप्टर कवर भी कर लिए हैं। अभी हाल ही में हम लोग ब्लड रिलेशन देखे और ब्लड रिलेशन से संबंधित सारे प्रश्नों को देख लिए हैं और सभी टाइप को भी डिस्कस कर लिए हैं। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे अल्फ़ाबेट वर्णमाला। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला एक ऐसा चैप्टर है आपके रीजनिंग में कि आप ये समझ के चलिए कि आप इस अगर आपसे वर्णमाला बनती है तो आप 4 से 5 चैप्टर के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले वर्णमाला को हम समझेंगे। ठीक है, इंग्लिश वर्णमाला की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वर्णमाला की। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि इंग्लिश वर्णमाला में कितने लेटर्स होते हैं। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है कितने लेटर्स होते हैं, 26। अब चलिए देख लेते हैं 26 कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ये तो हम जान लिए कि इंग्लिश वर्णमाला में इतने ये लेटर्स होते हैं और इतने हैं। तो चलिए आप किस तरह हमसे प्रश्न पूछेगा, तो पहले हम इनको जान लेते हैं कि कैसे है। जैसे हम पूछ ले 26 होते हैं तो 26 देख भी तो लेते हैं। अभी तो हम रीड किए हैं कि ये होते हैं। ठीक है, तो कैसे हम इनको नंबरिंग करके देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ठीक है, अब हमें देखिए दोस्तों, रीजनिंग में हमें अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इनके कोड भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो कोड कैसे याद होगा उसको हम अभी याद करा देंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा, जानते हैं दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें लेफ्ट राइट भी कभी कभार प्रश्न पूछ देगा कि इंग्लिश वर्णमाला के बाएँ से दसवें अक्षर के दाएँ कौन सा अक्षर होगा, या फिर कह देगा इंग्लिश वर्णमाला के दाएं से 15वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, इस तरह के भी सवाल पूछेगा। या कुछ इस तरह के भी सवाल पूछेगा कि कह देगा यदि प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए और फिर प्रथम अर्धांश को बदलने के बाद दाएं से कोई अक्षर दाएं से 15वां है तो बाएं से वह कितना होगा, या इस तरह प्रश्न पूछेगा। या कह देगा द्वितीय अर्धांश, तो हम एक एक चीज़ बताएंगे दोस्तों, अभी कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रथम अर्धांश क्या होता है, द्वितीय अर्धांश क्या होता है, सारी चीज़ हम बारी बारी करके बताएंगे। तो चलिए पहले हम इनको याद कर लेते हैं। तो पहले हम लिख लें लेफ्ट क्या होता, किधर से स्टार्ट होगा आपका जो पेज है जहाँ आप लिख रहे हैं, तो मतलब आप ऐसे लिखेंगे तो ऐसे होंगे कि नहीं, तो जिधर आपका राइट तो उधर वर्णमाला का राइट होगा। ठीक है, जिधर आपका लेफ्ट उधर वर्णमाला, मतलब जिधर से हम स्टार्ट करते हैं लिखना उधर उस साइड को क्या कहेंगे, लेफ्ट साइड। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिधर वर्णमाला एंड होती है। ठीक है, इंग्लिश वर्णमाला की बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम में इंग्लिश वर्णमाला से ही संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, अभी तक जितने सारे एग्जाम हुए हैं तो इंग्लिश वर्णमाला से ही संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। और कभी कभार क्या करता है कि जैसे कह दे कि अगर इंग्लिश वर्णमाला को उल्टा लिख दिया जाए। ठीक है, उल्टा कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए अभी ए से हम स्टार्ट किए हैं और कह देगा जेड से स्टार्ट कर दीजिए, जेड बाई एक्स डब्लू डॉट 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 बी ए ऐसे। ठीक है, अब इसकी कोडिंग पूछ लेगा। ठीक है, तो अब आपका लेफ्ट राइट बदल गया कि नहीं बदल गया, बदल गया कि नहीं बदल गया, बदल गया ना, जो पहले राइट था वो अब लेफ्ट हो गया। ठीक है, जो पहले लेफ्ट था वो राइट हो गया, बदल गया कि नहीं, तो इसको भी बारी बारी करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इधर से भी हम कोडिंग कर लेते हैं। यही चीज बार बार दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम कोडिंग कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
जो 20वें नंबर पर लेफ्ट साइड से, वो राइट साइड से कितने हैं, 7वें नंबर पर। ठीक है, अभी एक चीज और बताएंगे, अभी बताते हैं, रुक जाइएगा। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए याद कैसे रहेगा कि इनकी कोडिंग, जैसे ये 1 से 26 तक नंबर हमें याद कैसे रहेगा। जैसे किसी ने पूछ लिया जी, जी का नंबर, जी का कोड कितना होता है, तो जिनसे नहीं बन रहा वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जिनसे बनता है तो बता देंगे 7 होता है। जैसे आपसे पूछ ले आर का कोड कितना होता है, आपसे नहीं बन रहा तो आप सोचेंगे आर आर आर, काउंट करेंगे ए से आर तक, लेकिन जिनसे बन रहा है वो कह देंगे 3 होता है। आपसे पूछ लेगा यू का, आप भी बता पाएंगे दोस्तों, तो बस आप बने रहिए क्लास में, आप भी ये सारी चीज बता लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, एक एक चीज समझते हैं। तो कोड याद कैसे होगा, देखिए ए बी सी डी, जनरली हम सामान्यतः बोलते हैं ए बी सी डी, तो यहां तक तो हमें याद ही रहेगा। ठीक है ना, यहां तक तो हमें याद ही रहेगा, 4 नंबर तो हमें याद ही रहेगा। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, जनरली सामान्यतः जब हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं, ए बी सी डी, तो 1 से 4 तक अंक याद रहेंगे कि नहीं, ए 1, B 2, 3, C 4, D याद रहेगा। जैसे एक्स वाई जेड कहते हैं ना कोई चीज, कह देते हैं, जैसे कह दीजिए आज खाने में क्या बनाएं, आपके दोस्त ने पूछा या आपकी वाइफ ने पूछा या आपकी माँ ने पूछा, ठीक है, जिनकी शादी हुई है हो गई, वाइफ पूछेगी, जिनकी नहीं हुई है उनकी माँ पूछेगी, तो आप क्या कहेंगे, आलू प्याज छोड़ के बाकी एक्स वाई जेड कुछ भी बना सकते हो। ठीक है ना, तो आप यहाँ से एक्स वाई जेड का भी याद कर लेंगे। कैसे याद कर लेंगे, जैसे याद है कि एक्स का जेड का क्या होता है 26, तो 26 के पहले 25 और 25 के पहले 24, ऐसे याद रखना है। ठीक है, जब आप एक दो बार रिकॉल करेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगे, और ये बहुत ही यूजफुल चैप्टर है दोस्तों। चाहे आप नंबर सीरीज सॉल्व करिए, नंबर सीरीज में भी, अल्फ़ाबेट सीरीज में, चाहे आप एनालॉजी सॉल्व करिए, कई सारे चैप्टर ऐसे हैं जो इसी इन्हीं से संबंधित, मतलब अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब चलिए याद करने के लिए, एक आपने सुना होगा बहुत ही फेमस एक ट्रिक है, सभी किताब में मिल जाएगी, हम ही नहीं बता रहे, सभी किताब में, ई जो टी, ई जो टी, ठीक है, ई जो टी कई सारी किताब में आपको मिल जाएगा, पर अच्छा भी है। ठीक है, जो अच्छी चीज़ें हैं कहीं से भी मिले वो हमें लेनी चाहिए। ठीक है, चाहे कहीं से भी मिले, ई का कोड 5, देखिए ई 5 नंबर पर है, अब जे देखिए 10 पे है, ठीक है, ओ 15 पे है, टी कितना है 20 पे है, बाई कितने पे है, बाई बताइए 25 पे। अगर बताइए इनका कोड, अब अगर हमें याद है इनका कोड, अगर मान लीजिए हमें ई का याद है कि ई का 5 होता है, तो कोई हमसे पूछ ले आपका कितना होता है, तो ई के बाद ही ना आता है, तो हम बता देंगे कि नहीं बता देंगे कि 6 होता है, बता देंगे कि नहीं बता देंगे ना। अगर हमें याद है कि ओ का कोड 15 होता है, तो आपसे पूछ ले ओ के पहले, आपको पता है कि एन होता है, तो एन का कितना हो जाएगा, ओ के पहले ही है तो कितना हो जाएगा 14। अगर आपसे पूछ ले पी, तो आप जानते हैं कि ओ पी, मतलब ओ के बाद आ रहा पी, तो 15 के बाद एक कितना हो जाएगा 16। ठीक है, इसी तरह आपको जैसे टी का याद है, अभी सारी चीज़ हम इनको ट्रिक से भी याद करा देंगे, पर थोड़ा सा सामान्यतः बता, जैसे ई का, टी का आपको याद है, तो टी का जैसे आपको याद है 20, तो आपसे अगर इसके पहले वाला, जैसे टी के पहले आप जानते हैं कि एस आता है, तो एस का भी कोड बन जाएगा आपसे कि 19 होता है, टी के पहले है, और इसके बाद का भी बन जाएगा, टी के बाद यू आता है तो यू का भी बन जाएगा कि 21 होता है। तो कितना आसान है याद करना, याद हो जाएगा कि नहीं, याद हो जाएगा ना, याद हो जाएगा ना। तो चलिए अब एक एक करके हम सबको याद कराते हैं। अभी हम आपसे बात किए हैं ए बी सी डी, 4 तो आपको याद ही रहेगा, 4 याद रहेगा ना, 5वां यहाँ से याद कर लेंगे, 6वां अभी आपका बता ही दिए कैसे याद करना है, अगर ई का पता है तो आपका बन जाएगा। अब देखिए जी का कैसे याद रखेंगे, आप जी का कैसे याद रखेंगे, जैसे जी एस के कई सारे लोग जी एस पढ़ते हैं कि नहीं, तो जी एस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जी सेवन, तो जी का कोड क्या हो जाएगा 7। ठीक है, जी का कोड क्या हो जाएगा,
अब जी को देखिए कुछ इस तरह बना है, देखिए जी इस तरह बना है। अगर मैं इसको हटा दूं तो देखिए सेवन जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है ना, तो सेवन जी का याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। तो जी का याद रहेगा ना, तो जी का क्या होगा, जी सेवन, जी से जी सेवन मतलब जी का क्या कोड होता है, सेवन। अब देखिए आठ का एट का कैसे याद रखेंगे, देखिए एच का, एच का एट होता है तो कैसे याद रखेंगे, देखिए एच का ऐसे देखिए डॉट 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 डॉट, मान लीजिए ऐसे आप एच बना दीजिए, ठीक है, ये बना दिए आप एच, ये एच बन गया आपका डॉट 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 डॉट। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ, यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ, तो ये देखिए कि डिजिटल में जो एट होता है, डिजिटल घड़ी आप लोग देखे होंगे, डिजिटल घड़ी देखे होंगे ना, घड़ी डिजिटल घड़ी, तो देखिए डिजिटल घड़ी में इस तरह आठ बना रहता है, बना रहता है ना, तो ये देखिए आठ भी, तो हमें एच का कोड याद हो गया आठ। और नहीं भी याद है, जैसे ये एच बना है, इसको यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए, कुछ आठ जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा ना, तो एच का भी कोड याद हो गया कि नहीं हो गया, एच का कोड आठ होता है, होता है, ठीक है, याद कर लेंगे ना, इस तरह याद करना है। चाहे डिजिटल से आप याद रखिए, डिजिटल घड़ी में एट इस तरह बनाया जाता है, तो इसको ऐसे ऐसे मिला देंगे तो एट बन जाएगा, ठीक है, या फिर एच साधारण रूप से बना हुआ है, एक यहाँ से मिला दीजिए, एक यहाँ से मिला दीजिए, तो देखिए आठ जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा, यहाँ से भी याद रहेगा, याद रहेगा ना, याद रहेगा दोस्तों। तो चलिए अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आई है, तो देखिए आई हम अब इस तरह बना हुआ है। कभी कभार देखिए जैसे हम लिखते हैं इंडिया, इंडिया, ठीक है, इंडिया इस तरह लिख देते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो देखिए नौ जैसे दिख रहा है कि नहीं, नाइन जैसे दिख रहा है कि नहीं, जो ये आई है तो हमारी लिखावट मतलब जब लिखते हैं तो इस तरह लिख देते हैं कि नहीं, तो नौ जैसे दिख रहा है कि नहीं, तो आई का भी कोड याद हो जाएगा, आई का कोड याद हो जाएगा, तो आई का कितना होता है नाइन, ठीक है, आई का कितना होता है नाइन। अब देखिए इसके बाद जे, तो जे के लिए हम बता दिए इजोटी, जे का कितना होगा दस, अब देखिए जे का कितना होगा दस, ठीक है, ये बता दिए ना जे के लिए। अब देखिए के, के को कैसे याद रखेंगे, इस समय दोस्तों याद, इसको याद करना तो बहुत ही आसान है, इस समय देख रहे हैं कि आईपीएल का सीजन भी चल रहा है, चल रहा है ना आईपीएल का सीजन, तो एक टीम है उसमें किंग इलेवन पंजाब, तो किंग इलेवन, आप के को कैसे याद रखेंगे, किंग इलेवन, के का क्या होगा इलेवन, के का कोड क्या होगा इलेवन। इस तरह आपको कोरिलेट करके कोई भी चीज़ याद करना हो तो एक दूसरे से लिंक करिए, और आपको कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ याद करना हो आसानी से आप याद कर सकते हैं। जैसे देखिए जब कभी भी कोई भी चीज़, जैसे रीजनिंग सॉल्व करना है, अल्फ़ाबेट्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट हम पढ़ रहे हैं, रीजनिंग का कहीं भी प्रश्न दिख जाए, जैसे हम कहीं रास्ते में चल रहे हैं और वहाँ लिखा कहीं दिख गया टास्क, दिख गया मुझे ये टास्क लिखा है, टास्क, ठीक है, अब हमें वहीं पे इसकी कोडिंग कर लेना चाहिए जब हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो समय कहीं भी अगर हम जा रहे हैं जब तक हमसे नहीं बनता है तो क्या करें, टी का कोड कितना होता है, कोड कितना होता है 20 हमें पता है, आपको नहीं पता हम बताएंगे, ए का कितना होता है 1, एस का कितना होता है 19, के का कितना होता है अभी बता ही दिए 11, तो ये देखिए कोडिंग हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना कोडिंग। हर जगह आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो हर जगह आपके पढ़ने वाली चीज़ें मिल जाएंगे, ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते, ठीक है, तो अब के का याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, किंग इलेवन पंजाब, किंग इलेवन, के का कोड क्या हो गया इलेवन। अब देखिए जब अगर के का बन रहा तो एल का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, के का पता है कि इलेवन होता है और के एल, के बाद एल आता है, तो एल का कितना हो जाएगा 12, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। अब यल के बाद किसकी बारी है, यम के, तो यम देखिए कुछ इस तरह बना हुआ है, यम देखिए इस तरह बना हुआ है, अगर मैं इसके पहले एक लगा दूं, इसके पहले मैं एक लगा दूं तो देखिए 13 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना, तो यम का कोड कितना होगा 13, यम का कोड कितना होगा 13, इस तरह याद रहेगा, याद रहेगा ना। अभी कुछ टाइम पहले बताया हूँ कि अगर हमसे ओ का बन रहा है तो ओ के एक लेटर पहले एक लेटर बाद में, दोनों का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना, तो एम के बाद जैसे एन आएगा तो ओ के पहले है, एन क्या है ओ के पहले, तो अगर ओ का 15 है तो एन का कितना हो जाएगा 14, एन का कितना कोड हो जाएगा 14, ठीक है।
इतनी चीज़ समझ में आई आपको? ये याद रखना है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर, हम इस तरह लिख लेंगे कॉपी में, जब भी एग्जाम हॉल में जाएंगे तो लिख लेंगे। अब मान लीजिए 8 से 10 प्रश्न आ गए तो क्या करेंगे? तब तो फिर बहुत ही कंफ्यूजिंग रहेगा कि कहाँ किस पेज में लिखे थे, ठीक है ना, कहाँ किस पेज में लिखे। मान लीजिए आपका जो पेज में लिखे थे वो पेज भर गया और आपका पेज ले लिया और दूसरा पेज आपको दे दिया, तो सारी चीज़ बहुत सारी मिस्टेक हो सकते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा इसको। अगर आपको रीजनिंग ये आप मान के चलिए 6 से 7 प्रश्न कह सकते हैं, 6 से 8 प्रश्न भी इन्हीं से संबंधित रहेगा, अल्फ़ाबेट से घुमा फिरा के पूछने का तरीका बदल देगा, ठीक है, और प्रश्न को सॉल्व करने का थोड़ा सा अप्रोच बदल देगा, बाकी सब कुछ यही रहेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्या है, एम के बाद ओ का याद ही रहेगा, ओ का कितना होता है 15, ये बता ही दिए, जोटी से याद रखेंगे। अब देखिए पी का भी बता दिए, पी का कितना होता है 16, अगर ओ का पता है कि 15 है तो ओ के बाद आता है पी, तो पी का कितना होगा 16, पी का कितना होगा 16, ठीक है। अब देखिए पी के बाद क्यू, ठीक है, अब पी के बाद क्या आ रहा है क्यू, तो क्यू को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, क्यू फॉर खतरा, कैसे याद करेंगे, क्यू का कोड क्या होता है 17 मीन्स खतरा, ऐसे याद रखेंगे, क्यू का कोड कितना होता है 17 मीन्स खतरा, ठीक है, इस तरह याद रखेंगे, क्यू का कोड कितना होता है 17, ठीक है, ये याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा ना, याद रहेगा। अब देखिए दोस्तों आर का, आर देखिए आर में आपको ये देखिए, ये वाली रेखा देखिए एक जैसे लग रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो देखिए 8 जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा, अब एक ये वाला और 8 ये, तो कितना हो जाएगा 18, तो आर का कोड कितना होगा 18, कैसे याद रखेंगे एक बार और बता देता हूँ। आर में देखिए ये आर है आपका, अब ये देखिए आर में ये एक जैसे लग रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से और यहाँ से मिला दूँ तो कैसे दिख रहा है 8 जैसे दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत मिलती जुलती आकृति है 8 जैसे कि नहीं, है कि नहीं, तो ये देखिए अगर एक और 8 ये कितना होगा 18 होगा ना, इसी तरह याद रखना है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इसी को कहते हैं ट्रिक, ठीक है, इसी को कहते हैं ट्रिक। तो आर का क्या होगा 18, ठीक है, आर का क्या होगा कोड 18। अब यस का बता भी दिया हूँ, यस का, अब टी का, जैसे यस किसके पास है टी के पास है, अब देखिए टी का कैसे याद रखेंगे, T20 मैच इस समय चल रहे हैं ना, हमेशा चल रहे हैं 2007 से T20 टी से याद रखेंगे T20, टी का कोड कितना होता है 20, ठीक है, अगर हमसे टी का बन गया तो टी के पहले क्या है यस, तो अगर टी का 20 है तो यस का कितना होगा 19 होगा, अगर टी का बन गया तो टी के बाद क्या है यू है, तो यू, अगर टी का 20 है तो यू का कितना हो जाएगा 21, तो ये दो चीज़ें याद हो गई, एक कोड याद किए उसके बगल में दो और याद हो गई कि नहीं हो गई, आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपसे बन जाएगा, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं बनेगी, सारी चीज़ आपके लिए असंभव लगेगी, ठीक है। आप पहले चाहे किसी तरीके से रीजनिंग पढ़ते थे, एक बार पढ़ के कोशिश करिएगा, ठीक है, आपको अगर तरीका अच्छा नहीं लगता तो फिर अपना तरीका आजमा लीजिएगा, पहले अभी कोशिश करिएगा। अब देखिए यू का याद हो गया, कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ेगी, जैसे वी का याद करना पड़ेगा, ठीक है, तो वी का याद कर लीजिएगा, वी का कितना होता है 22। अब डब्लू का देखिए, डब्लू ऐसे बना हुआ है, अगर मैं इसके पहले 2 लगा दूँ, आपको सपोज करना है, ठीक है ना, एक दो बार रिकॉल करेंगे ना ऐसा, जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना, आप 2 बार 3 बार रिकॉल करिएगा, आपसे सारी चीज़ बनने लगेगी, ए से जेड तक आपसे कोई भी कहीं से भी प्रश्न पूछेगा कि जैसे बता दीजिए आई का कोड क्या होता, तो आप बता देंगे 9, पूछ लो एल का कितना होता है 12, भी का कितना होता है 22, तो आप ऐसे बता देंगे, ठीक है, आप बताइए क्यू का कितना होता है, हमें सर ने याद कराया था क्यू 17, क्या 17 मीन्स खतरा, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है, क्यू फॉर खतरा, खतरा मीन्स 17, या ऐसे याद कर लें क्यू फॉर खतरा,
खतरा अखतरा खतरा किफ और खतरा अखतरा सतरा ऐसे याद कर लेंगे। जैसे भी आपको याद हो याद करना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए। आपका ये मोटिव होना चाहिए कि आपसे प्रश्न बनने चाहिए, याद करने की बात है तो याद होना चाहिए, चाहे किस तरह भी याद करें, चाहे उलट के चाहे पलट के याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब यक्स की बात आई तो यक्स का याद ही करा दिया हूँ। अगर आपसे बाई का बन रहा है, बाई का कोड अभी जो टी से आप याद किए हैं कितना है 25, तो यक्स के बाई के पहले यक्स तो 25 के पहले क्या होगा 24, बाई के बाद जेड तो 25 के बाद क्या हो जाएगा 26। तो ये चीज़ याद रहेगी कि नहीं, याद रहेगी ना, याद रहेगी, चलिए एक बार ध्यान करिए, एक बार याद करिए सॉरी एक बार याद करिए, कोशिश करिए। एक बार याद करिए, मैं याद कर रहा हूं ऐसे। देखिए ये चीज अभी मिटा देता हूं, ए से डी तक तो याद रहेगा, ए बी सी डी हम जनरली सा मानते हैं, हम बोलते ही रहते हैं, इसलिए ए से जेड तक याद रहेगा। ई जो टी से ई का याद, ई जो टी बहुत काम की चीज है दोस्तों, इसको ये नहीं भूलिएगा, ई जो टी, ठीक है। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, बाई का 25, ये आपको याद ही करा देगा। अगर इतना भी आता है तो आप पूरा याद कर लेंगे, ठीक है। तो ई का कितना हो जाएगा 5, 6 का कैसे, अगर ई का 5 है तो 6 के ई के बाद आप आता है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जी का बता दिए, जी सेवन याद रखेंगे नहीं, जी सेवन से। और जी को ऐसे भी याद रखिए, देखिए जी कैसे लिखते हैं आप अंग्रेजी, ऐसे लिखते हैं ना ऐसे, तो ये देखिए 7 जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये देखिए 7 इसमें छिपा है कि नहीं, तो जी का कोड वैसे भी 7 होता है, ठीक है, चाहे जी सेवन से याद रखिए चाहे वैसे याद रखिए। अब देखिए 8 के लिए क्या बताया हूँ दोस्तों, ये देखिए अगर मान लीजिए डिजिटल रूप 8 बना हो इस तरह या 6, अब इसको ऐसे मिला दीजिए, ये 8 जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, तो ये याद हो जाएगा यहाँ से, और नहीं भी याद होता है तो इसको ऐसे ऐसे मिलाइए, और देखिए 8 जैसे दिख रहा है, 8 जैसे आकृति दिख रही कि नहीं दिख रही, तो एच का कोड क्या हो जाएगा 8। आई का नाम तो बहुत ही आसान है याद करना, जे का जिससे जोटी से याद कर लेंगे। अब जे के बाद के को कैसे याद रखेंगे, किंग इलेवन पंजाब, तो किंग इलेवन, के का क्या हो जाएगा 11, अगर के का बन रहा तो एल का बन जाएगा, एल का कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए एम का कितना 13, एन का कितना 14, कैसे याद रखेंगे एन का देख लीजिए, एन को याद करिए कैसे याद रखेंगे बताइए थोड़ा सा हमें, ठीक है। अगर ओ का पता है तो एन का कितना हो जाएगा, ओ का 15 है तो ओ के पहले एन आता है तो एन का कितना हो जाएगा 14। और ऐसे भी हमें यम एन जब यम का नाम लेंगे तो एन आ ही जाएगा, जैसे एक्स वाई जेड, अगर जेड का कभी कभार नाम ही लेना हो तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जैसे अगर पढ़ने के अंग्रेजी वर्णमाला की बात आती है तो क्या करते कहते हैं ए बी सी डी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ए बी सी डी, तो ऐसे भी आप तो रख सकते हैं ना, आसान है कि नहीं। अब ओ का 15, अब ओ के बाद क्या आता है पी आता है, तो पी का कितना हो जाएगा 16, 17 का बता दिए, ठीक है, 18, आर का देख लीजिए थोड़ा सा भूल गए होंगे, तो आर ऐसे हम बनाते हैं कि नहीं। अब देखिए इसमें ये वाली रेखा एक जैसे लग रही कि नहीं लग रही है, और अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँ तो देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है, 8 जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो ये वाला एक बाहर निकाल लीजिए और 8 कितना हो गया 18, तो आर का कितना हो गया 18। अब देखिए एस का कितना होता है 19, कैसे याद रखेंगे, अगर टी फॉर 20 तो 20, टी का याद है 20 तो एस का भी याद रहेगा, टी का याद है तो यू का भी याद रहेगा, टी का 20 तो यू का कितना 21, ठीक है, भी का हमें याद रखना है, ठीक है, भी का क्या होगा 22। अब डब्लू का कैसे याद रखेंगे, जैसे डब्लू है
ये देखिए W है, अगर मैं इसके पहले दो लगा दूं 23 जैसे दिख रहा है कि नहीं, तो W का कोड क्या होता है 23। एक्स वाई जेड बता ही दिया हूँ, अगर बाई का बन रहा तो बाई के एक पहले 24, बाई के एक बाद 26 मतलब जेड। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी, बन जाएगी कि नहीं, बन जाएगी ना। अब चलिए, अब इसी में आपसे कभी कभार अपोजिट पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, अपोजिट बता देते हैं, लेकिन इसको और अच्छे से याद कराते हैं, किसी दिन याद करा देंगे, अभी अपोजिट देख लेते हैं। अब देखिए, अपोजिट कहने का तात्पर्य है ए का अपोजिट जेड, अलग कहने का तात्पर्य है उसका उल्टा। तो अभी क्या बात किए थे, अगर इधर से ए से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा और उधर हमारा राइट हैंड होगा। ठीक है, जब कभी बात करेगा, अगर मैं यही जेड को यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, जेड बाई एक्स और क्या होगा डब्लू वी यू टी, ठीक है, तब देखिए इसके अपोजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। वैसे भी हम कहते हैं ए टू जेड, ए टू जेड, ठीक है। अब इसको कुछ याद करने का एक और आसान तरीका है, इसी ए बी सी डी को आप ऐसे लिख लीजिए, तो एक चीज और आपको याद हो जाएगी, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब इसको कुछ चीज़ मैं बता देता हूँ, इसी को कहते हैं प्रथम अर्धांश, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट, प्रथम अर्धांश, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में इतने वर्णों को कहते हैं फर्स्ट पार्ट, और ये जो ये वाला वर्ण है यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, इसे कहेंगे सेकंड पार्ट, द्वितीय अर्धांश। इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको मिलेंगे सेकंड पार्ट, फर्स्ट हाफ इसे कहेंगे, फर्स्ट हाफ इसे कहेंगे सेकंड हाफ, ठीक है, इसे कहेंगे फर्स्ट हाफ इसे कहेंगे सेकंड हाफ, ठीक है, ये चीज़ें याद रहेगी। अब एक चीज़ जैसे आपसे पूछेगा, आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट पार्ट को पलट दिया जाए, कहने का तात्पर्य है पलटने का मतलब है अभी ए से शुरू है, एम से शुरू कर दें, इसको नहीं छेड़छाड़ी करेंगे, इसको कुछ नहीं छुएंगे, इसको नहीं छुएंगे, इसको बदल देते हैं, तो एम यहाँ आ जाएगा, एल यहाँ आ जाएगा, के यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एच यहाँ आ जाएगा, ऐसे बारी बारी, तो देखिए फिर ये बदल जाए तो क्या कह रहा है, बदलने के बाद लेफ्ट से दसवें नंबर पर जे के बाएं तीसरा कौन होगा, के बाएं तीसरा कौन होगा, अब ऐसे भी प्रश्न पूछेगा, ठीक है, और बताएंगे अभी आगे भी बताएंगे। अब देखिए हम किस चीज़ के लिए इसको लिखाए हैं, आपको अपोजिट याद कराने के लिए, ठीक है, अपोजिट आप कैसे याद रखेंगे, देखिए हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ए टू जेड पढ़ते हैं कि नहीं, ए टू जेड, ए का अपोजिट जेड, ठीक है, ए का अपोजिट जेड। और एक चीज़ और दोस्तों, जब भी अपोजिट निकालना हो तो आपको ध्यान रखना है उन दोनों लेटर्स का योग, उन दोनों लेटर्स के कोडों कोड का योग कितना होगा 27। कैसे, हमें पता है ए टू जेड मतलब ए का अपोजिट जेड, तो अब ए का कोड एक प्लस जेड का कोड कितना होता है 26, तो देखिए 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन दोनों का योग कितना हो रहा 27। तो इस तरह भी याद रखेंगे, नहीं भी याद रहता है तो हम बताएंगे ना आपको, ट्रिक बताएंगे। अब देखिए बी का कैसे याद रखेंगे, बी बाई, अब यहाँ पे भी देख लीजिए बी का कोड दो, बाई का कोड कितना 25, 25 तो 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें जो भी मैं बताया हूँ कि अपोजिट कभी भी आपसे पूछेगा, जैसे पूछ ले
आर का अपोजिट क्या होगा, आर का कोड कितना होता है, आर का कोड 18 होता है, 18 में क्या जोड़ देंगे 27 आ जाए, 9 जोड़ देंगे तो 9 कोड किसका होता है आई का, तो आर का अपोजिट क्या होगा आई, ऐसे आप बता लेंगे ठीक है। जैसे मैं पूछ लूं के का कोड क्या होता है, हमें पता है सर ने बताया किंग 11 ठीक है, तो के का कोड 11, अब 11 में कितना जोड़ देंगे 27 हो जाए, तो जोड़िए कितना जोड़े, या 27 में 11 घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा ठीक है, अगर एक चीज का पता है तो जोड़िए घटाइए कितना हो जाएगा 6, देखिए 6 और एक ये 16, तो 16 किसका कोड होता है पी का, ऐसे याद रहेगा ठीक है ना, आपसे कोई पूछेगा तो आप ऐसे बता लेंगे ठीक है। तो बाई का हो गया, ए बी का हो गया, बी के बाद किसकी बारी है सी की, सी की, तो सी का अपोजिट देखिए, सी का अपोजिट क्या है क्रैक्स, नहीं याद है तब ये भी डायग्राम बना लीजिएगा ठीक है, नहीं याद होता है जिनसे नहीं होता, क्रैक्स या जेरोक्स कॉपी, जेरोक्स कॉपी इस तरह भी याद रखना है क्रैक्स, बहुत छोटे बच्चे खाते हैं क्रैक्स, क्रैक्स खाते हैं ना, तो यहाँ से याद रखेंगे इसका 3 इसका 24 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 27, ये देखिए ये चीज़ पकड़ के रखना, अपोजिट निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका, अगर एक का पता है कोड तो दूसरे में क्या जोड़ देंगे 27 हो जाए, या 27 में जितना पहले का कोड है उतना घटा देंगे तो जो आएगा वो अगले अल्फाबेट का कोड होगा, मतलब अगले डेटर्स का कोड होगा ठीक है। अब देखिए डी डब्लू ठीक है, तो चाहे कहिए डब्ल्यू डी, विकेट कीपर धोनी बहुत ही फेमस इंडियन क्रिकेटर विकेट कीपर धोनी, धोनी जी हैं ठीक है, तो विकेट कीपर धोनी कभी ना कभी सबके वो फैन रहे होंगे, आज नहीं है लेकिन जब वो खेल रहे थे पूरे इंडियंस के फेमस थे, चाहे इंडियन की बात करें चाहे विदेशियों की बात करें वो सब लाइक करते थे ठीक है। तो यहाँ से इसको याद रखेंगे डी डब्ल्यू, लिखते जाइएगा पेन कॉपी ले लीजिए लिखते जाइएगा। अब देखिए ई को कैसे याद रखेंगे, इवनिंग इवनिंग से निकाल लीजिए ई, ए भी तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा भी, नहीं भी याद है विलेज इंजीनियर चाहे भी ई कहिए चाहे ई भी कहिए बात एक ही है, अपोजिट निकालने की बात करेगा तो विलेज इंजीनियर, भी से विलेज ई से इंजीनियर, और नहीं और आसान याद करना है इवनिंग तो सभी को याद रहता है ठीक है दोस्तों, इससे आसान कोई नहीं बताएगा ठीक है, इससे आसान कोई नहीं बताएगा। अब देखिए ई के बाद किसकी बात आई, जी की एस एफ की, उफ उफ आप लोग क्या कहते हैं, बहुत गर्मी है, उफ बहुत ठंडी है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं ना, उफ से याद रखेंगे ओ एफ मतलब यू एफ, चाहे इसको ऐसे लिखिए यू एफ चाहे या फिर यू लिखिए ठीक है, एक दूसरे की अपोजिट होंगे, ओप से याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एफ का अपोजिट यू। अब देखिए अब किसकी बारी है, यू एफ के बाद जी, तो जी का देखिए जी का अपोजिट क्या है, जी के सामने टी है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, क्या है शिव सर आपको पढ़ाए होंगे जीएस में हिस्ट्री वाले सेक्शन में, ग्रांट ट्रंक रोड शेरशाह सूरी के बारे में बताए होंगे, तो यहाँ से याद रखना है ग्रांट ट्रंक रोड ठीक है शेरशाह सूरी, तो यहाँ से याद रखना है जी टी, जी का अपोजिट क्या हो जाएगा टी, जी का अपोजिट टी ग्रांट ट्रंक रोड ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब देखिए आई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए आई का अपोजिट क्या है आर, तो कैसे याद रखेंगे इसको, कैसे याद रखेंगे इंडियन रेलवे ठीक है, कैसे याद रखेंगे इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर या आर का अपोजिट आई, दोनों तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है ठीक है। अब देखिए हाँ दोस्तों क्या बता दिए हैं आपको, आई का कोड बता दिए हैं ना, आई का क्या होगा, अपोजिट
आर आई आर आई का अपोजिट आर या आर का अपोजिट आई, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, इंडियन रेलवे, ठीक है। ये चीज़ बता दिया हूँ। आई के बाद क्या है, जे। अब जे का अपोजिट क्या होगा, जे का अपोजिट क्या होगा, जे का अपोजिट यहाँ जैसे देखेंगे तो यहाँ तो दिया है क्यू, तब याद कैसे रखेंगे। सबसे बड़ी बात तो याद है ये है कि याद कैसे रखेंगे, जे का अपोजिट क्यू, तो याद कैसे रखेंगे, जोकर क्यून। आप कार्ड्स खेले होंगे ना, कार्ड्स तो खेले होंगे, ठीक है, ताश जिसको ताश कहते हैं, कार्ड तो खेले होंगे, तो उसमें एक जोकर होता है एक क्यून होता है, ठीक है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, जोकर और क्यून, जोकर क्यून, ठीक है। तो ये जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू, क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे। इस तरह प्रश्न पूछेगा। अब जे के बाद क्या, किसकी बारी है, के की। अब के का कैसे याद रखेंगे दोस्तों, के का अपोजिट क्या होता है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो पी दिख रहा है, याद कैसे रखेंगे, काला पानी या फिर पी के। एक मूवी आई थी अभी कुछ टाइम पहले, पी के, तो पी के, पी के से याद रखेंगे, चाहे इसको पी कहिए, पी के कहिए, चाहे के पी कहिए, ठीक है, के और पी कहिए, तो दो तरह से याद कर सकते हैं। पी की मूवी आई थी उससे भी याद कर सकते हैं, या काला पानी, या फिर ऐसे काला पानी की एक सजा होती है, ठीक है, काला पानी उससे भी याद रख सकते हैं, या फिर इसको एक के पी सिंह बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो इसको आप और आसान, के पी के, तो पी, पी का अपोजिट के, अके का अपोजिट पी, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। और जोड़ के भी हम निकाल सकते हैं कि इनका योग कितना होना चाहिए, 27, कितना, 27, ठीक है, याद रहेगा कि नहीं। अपोजिट की बात जब भी करे तो दोनों लेटर्स का योग कितना होगा, 27। अगर एक का पता है तो 27 में से माइनस कर देंगे तो दूसरा लेटर आ जाएगा, ठीक है ना, बन जाएगा। अब क्या बचा हमारा, यल। तो यल का कैसे याद रखेंगे, यल का कैसे याद रखेंगे, लव, लव में देखिए, ये लव में, लव शब्द में देखिए, यल ओ, यल ओ, और एक चीज़ और मिल जाएगा, ई भी, मतलब भी ई, तो भी का अपोजिट क्या होता है, ई, भी का अपोजिट क्या होता है, ई, ई का अपोजिट भी, तो इसके लिए इवनिंग भी बताया हूँ, यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। और यल का अपोजिट ओ होता है, तो ये कैसे याद रखेंगे, लव से निकाल लेंगे, और यल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल, ठीक है, इमोशनल नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए वापस आइए, अगला क्या है, अगला लेटर क्या है, एन, एम, तो एम का अपोजिट क्या होता है, एन, एम का अपोजिट क्या होता है, ये याद ही रहेगा, एम एन कहते हैं ना, एम एन, तो एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम, इस तरह याद रखेंगे। नंबर्स की बात करेगा तो नंबर्स भी हमें याद रहेगा, अगर उनकी उनका अपोजिट पूछेगा तो हम बता लेंगे, ठीक है। तो एक बार रिकॉल करते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न हम कल देखेंगे। तो चलिए बताइए, कुछ चीज़ें आपसे पूछ लेता हूँ, पूछूँ, चलिए बताइए, भी का कोड कितना होगा, कितना होगा, बहुत बढ़िया, कितना, 22। चलिए के का बताइए कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, 11, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इसी में बता दीजिए, के का अपोजिट क्या होगा, पी के, पी, के का अपोजिट पी, ऐसे, ठीक है। चलिए बताइए डी का कोड कितना होगा, सर ने बताया 23, बताया हूँ ना, 23। तो चलिए इसी मैं पूछ लेता हूँ, इसका अपोजिट कैसे याद रखेंगे, चलिए डी एच के का, सॉरी डब्ल्यू का अपोजिट बताइए क्या होगा, क्या होगा, डी, कैसे याद रहेगा, विकेट कीपर धोनी, कैसे याद रहेगा, विकेट कीपर धोनी। चलिए बताइए आई का कोड कितना होता है, 9। तो मैं आपसे पूछ लूँ कि आई का अपोजिट क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या होगा, आर, कैसे याद रहेगा, इंडियन रेलवे, ठीक है ना। तो चलिए इसी तरह दोस्तों याद रखना, ठीक है ना, बन जाएगा ना, बहुत ही आसान है ना, समझ में आया आपको, आया अच्छे से ना। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।